जनता की अदालत आज वो लगा रहे हैं। महिलाओं के यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। महिलाएं यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं और भी कुछ महिलाएं बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किशनवती है। आज अरविंद केजरीवाल जी आपके बीच में आ रहे हैं, क्या कुछ सोच कर आए हैं, क्या उम्मीदें हैं केजरीवाल से? देखिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी से बहुत उम्मीदें हैं और वैसे तो उन्होंने कोई ऐसी उम्मीद छोड़ी नहीं है महिलाओं के लिए कि जो हमें उनसे मांगना पड़े, क्योंकि आज आप देखिए कि देश के अंदर तीसरी ऐसी महिलाएं हैं कि जो उन्होंने दिल्ली की, जो देश की राजधानी है दिल्ली, उसकी मुख्यमंत्री श्रीमती अतिशी जी को बनाया है, तो महिलाओं में एक उत्साह है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने काम किए हैं ऐसी कभी किसी सरकार ने नहीं किए, और हमें पूरा विश्वास है कि आज जो जनता दरबार में अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं उन्हें बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिलेगा। और हम ये पूरा मतलब वादा करते हैं अरविंद जी की तरफ से कि इस बार पूरी की पूरी 70 की 70 विधानसभा आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। जी बताइए, वो कह रहे हैं कि हम जनता के अदालत में जाएंगे तो जनता हमें इंसाफ देगी कि हम कुर्सी पर बैठे या ना बैठे, तो क्या इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, देखिए जैसा कि अरविंद, अभी आप देखिए कि कोई छोटा भी पदाधिकारी होता है वो भी अपनी कुर्सी को नहीं छोड़ता, और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब से आम आदमी पार्टी बनी है उन्होंने 2 बार कुर्सी को छोड़ा, इसीलिए क्योंकि वो ईमानदार है और ईमानदारी से ही उन्होंने आगे भी काम किया। और उन्होंने ये कहा है कि अगर हमने काम किया है तो हमें वोट देना, और अगर हमने काम नहीं किया तो हमें वोट मत देना। 4 महीने बाद चुनाव है, ईमानदारी पर मोहर लगेगी? बिल्कुल लगेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।